हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू टेकमेट। और आज की इस वाली वीडियो में हम इसी गोवो बर्ड्स 910 की एक अनबॉक्सिंग डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। यहाँ पर बॉक्स हमें बिना फाइल के साथ देखने मिलता है, लगता है किसी ने रिटर्न कर दिया था और रिटर्न वाला प्रोडक्ट मुझे वापस से टेप लगा के इन्होंने भेज दिया है, हम भी इसे एक्सचेंज करा लेंगे। तो काफी सिंपल से यहाँ पर हमें बॉक्स देखने मिलता है, सीरीज को कट करके हम सीधा ओपन कर लेते हैं। थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन बॉक्स में मेंशन करी है, उनको आप पॉज करके देख लेना। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले अंदर साइड हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने मिल जाती है। एक यहाँ पर वारंटी कार्ड दिया हुआ है, इसके अलावा एक यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है। ये दोनों ही थोड़े से पुराने टाइप के लग रहे हैं, जैसा कि बताया यूज टाइप के मुझे भेज दिए हैं। और अंदर की साइड अगर हम देखेंगे तो एक ये टाइप सी केबल दी गई है। यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा एयर टिप्स का एक पाउच देखने मिल जाता है, जनरली दो एक्स्ट्रा एयर टिप्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर दिया हुआ है, एक निकाल लिया लगता है या फिर एक ही आता होगा, कुछ कन्फर्म नहीं है। अब सीधा हम आते हैं अपनी ईयरफोन्स की तरफ। फर्स्ट इंप्रेशन में काफी बड़ी और काफी यूनिक सी ईयरफोन्स लग रहे हैं। इसमें अलग से लेड वेड वाला सिस्टम ही नहीं है, तो यहाँ पर अच्छे से टेस्ट करके आपके पास आता हूँ इनकी एक फुल डिटेल रिव्यू के साथ। ओके, तो यहाँ पर इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं हम इसकी बिल्ड एंड डिजाइन के साथ। तो यहाँ पर डिजाइन ही है जो सबसे बेस्ट है इसमें। इसमें एकदम अलग सी डिजाइन देखने मिलती है, कोई भी लेड वाला सिस्टम नहीं है। ईयरबड्स ये साइड में से यहाँ पे प्लग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैग्नेट यूज करी गई है वो काफी हाई क्वालिटी की है, एकदम थोड़ा सा भी पास मिल जाते ऑटोमेटिकली अंदर को खींच लेता वो ईयरबड्स को, तो यहाँ पर काफी बढ़िया दिया गया है। और ये थोड़े से ठंडे ठंडे से फील हो रहे हैं। बाहर की साइड में इसमें एक्चुअली में मेटल की कवरिंग की गई है, अंदर से पूरा प्लास्टिक है लेकिन ऊपर से यहाँ पर मेटल की कवरिंग कर दी है, जिस वजह से और बढ़िया फील हो रहे हैं, थोड़े से प्रीमियम टाइप के भी लग रहे हैं। इवन जो गोवो की ब्रांडिंग है वो भी काफी बढ़िया लगती है केस में अलग से, और ईयरबड्स की गोवो की ब्रांडिंग भी अलग से दिख रही है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन वाइज ईयरफोन्स काफी बढ़िया बनाए गए हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर हम एक्चुअल ईयरबड्स की मेनली बात करें तो उसकी क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी देखने मिल जाती है आपको। प्लास्टिक जो है यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश वाली दिखने मिलती है और अच्छी क्वालिटी की दी गई है। डिजाइन थोड़ी सी एप्पल एयरपॉड्स प्रो से इंस्पायर्ड लगती है, इन ईयर डिजाइन वाली दी गई है। उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस करा है, स्टैम्स को स्क्वायर टाइप का बना दिया है और ऊपर साइड से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इनकी फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो हाफ फिटिंग और कंफर्ट में इसमें कोई भी इशू नहीं है, मैंने यूज़ करके देखे। पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी कंफर्ट वगैरह में कोई भी इशू नहीं लगा है। पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को इसमें कंफर्ट में कोई भी इशू नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर मेन चीज़ किसी भी ईयरफोन्स की, इसकी अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको ठीक ठाक सी देखने मिलती है। 2500 रुपये की वाली ईयरफोन्स आते हैं, मैंने तो 2000 रुपये में परचेज करे थे, लेकिन स्टिल 2500 रुपये के हिसाब से मुझे साउंड क्वालिटी कुछ खास पसंद नहीं आई है। बेस तो कम्प्लीटली मिसिंग आउट रहता है, इवन लिस्टिंग में इसमें लिखा है एकदम एक्स्ट्रा हैवी बेस मिलेगा, बिल्कुल ना के बराबर इसमें बेस है। ज्यादा फोकस क्लियर ऑडियो के लिए किया गया है, तो अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा भी हैवी बेस पसंद है तो ये वाली ईयरफोन्स आपके लिए नहीं है। बेस काफी कम दिया गया है, मतलब बेस के मामले में डिसअपॉइंटिंग ही लगे मुझे। बाकी यहाँ पर आपको सराउंड टाइप इफेक्ट काफी अच्छा देखने मिलता है, तो वो चीज यहाँ पर काफी बढ़िया निकल करके आ जाती है, तो ओवरऑल मूवीज वगैरह देखने में काफी बढ़िया रहेंगे। यहाँ पर अगर हम इनकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं रहेगा, काफी अच्छे से ये कनेक्ट हो जाते हैं मोबाइल से। इवन अगर आप इसमें यूट्यूब वगैरह में वीडियोस वगैरह देखेंगे तो लिपसिंग में और ऑडियो में आपको लेटेंसी का कोई भी इशू समझ में नहीं आएगा, एकदम बढ़िया से दोनों चीज़ें सिंक रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अलग से कोई भी गेमिंग मोड देखने नहीं मिलता है, तो अगर आप इसमें पबजी जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें आपको लेटेंसी का इशू समझ में आएगा। और यहाँ पर अगर इनकी माइक क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर एवरेज टाइप का माइक क्वालिटी लगा मुझे। 2500 रुपये में तो आपको ANC वाले ईयरबड्स देखने मिल जाते हैं, जिसमें काफ़ी बढ़िया माइक आपको देखने मिलता है, लेकिन इसका उतना बढ़िया नहीं है। मैंने यहाँ पर एक कॉल रिकॉर्डिंग भी करी है, उसको सुन करके आपको अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा। अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं इसी गोवो बर्ड्स 910 के थ्रू, तो इसमें कॉलिंग वगैरह कुछ इस तरीके की आपको देखने मिलेगी। मैं यहाँ पर रूम के अंदर एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, जैसा हम कॉलिंग पर बोलते हैं, ना बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा स्लो, तो इस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको अच्छा खासा। यहाँ पर अगर हम इनकी बैटरी लाइफ की बात करें तो ब्रांड मेंशन करता है कि इसमें आपको 20 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इससे काफ़ी ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। और इवन ये 20 घंटे चलेंगे भी नहीं, करीबन 15-16 घंटे ही चलते हैं ओवरऑल, तो बैटरी लाइफ के मामले में एवरेज टाइप के हैं। यहाँ पर अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि आपको ये वाली ईयरफोन्स परचेज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, तो ओवरऑल इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी यूनिक टाइप की दी गई है और बिल्ड यहाँ पर अच्छी है, तो ओवरऑल बिल्ड डिज़ाइन के मामले में ईयरफोन्स बस मुझे जस्टिफाइबल लगे 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर। बाकी सारी चीज़ें एवरेज टाइप की लगी है, प्राइस के हिसाब से सही नहीं है, तो मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है वाली ईयरबड्स। लेकिन अगर सेल में आपको ये 1500 रुपये के देखने मिल जाते हैं और अगर आपकी बेस एक मेन प्रायोरिटी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको चाहिए, तो डेफिनेटली 1500 रुपये में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।